हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी क्लासेस। टाइम है इंजीनियरिंग सेक्शन का। हम पढ़ने जा रहे हैं आज बच्चों सीआईएम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीआईएम होगा। ठीक, अच्छा बच्चों, जो लास्ट जो हमारी क्लास थी वो कैड कैम सिस्टम की थी। ठीक है, तो कैड कैम सिस्टम से ही जो है हमारा सीआईएम रिलेटेड है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जिस बच्चे ने ना अटेंड की हो तो उसमें जाके देख ले कि पहले कैड कैम सिस्टम क्या होता है, ठीक है, देन सीआईएम पढ़े। देखो, इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें बच्चों कनेक्टेड होती हैं कि आपको पहले वो पढ़ना है टॉपिक, देन उससे रिलेटेड अगला टॉपिक, इसलिए सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम सीआईएम की बात करते हैं। तो मैं अगर इसकी बेसिक एक मतलब छोटी सी डेफिनेशन समझाऊं, कैड कैम सिस्टम हमने समझा ना कि कैड कैम में क्या हो रहा था कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों को हमने मर्ज किया। ठीक है, तो कैड कैम सिस्टम बना है ना। तो कैड कैम सिस्टम में अगर हम बिजनेस फंक्शन ऐड कर दें, बिजनेस फंक्शन समझ रहे हो कि जो प्रोडक्ट की सेल है, परचेज है, ठीक है, और जो प्लानिंग है और मार्केटिंग है, वो सारे पैरामीटर जो बिजनेस से रिलेटेड है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो उन पैरामीटर को अगर हम कैड कैम सिस्टम में ऐड कर दें तो ये बन जाता है हमारा सीआईएम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? अब जरा डेफिनेशन देखते हैं। सीआईएम इंक्लूड्स all of the engineering function of CAD CAM including the firm business function that are related to manufacturing। जो चीज मैंने बताई बच्चों वही चीज है कि CAD CAM के जितने भी फंक्शन होते हैं अगर उसमें बिजनेस फंक्शन इंक्लूड कर लिए जाए, और बिजनेस फंक्शन भी आपको समझा दिया कैसे होते हैं, जो मार्केटिंग से हो, सेल प्लानिंग हो, ठीक है, डिस्पैचिंग हो, वो सब जो हमारा बिजनेस फंक्शन में आता है, ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ऐसा भी नहीं कोई और, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो वो क्या बन जाता है, सीआईएम बन जाता है। Therefore, in CIM, computer are used in all functions of a manufacturing organization। इसका कि CIM, क्या कहते हैं कि CIM कंप्यूटर जो होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में द मेन कंप्यूटर, मतलब जितने भी फंक्शन होंगे, अब हमारा डिजाइनिंग का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, और बिजनेस प्लानिंग भी हो गया, बिजनेस फंक्शन भी हो गए, तो सारे फंक्शन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है सीआईएम इज द मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टू कंट्रोल एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कि सीआईएम में क्या है, एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच है जिसमें कंप्यूटर की हेल्प से पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, और मैन्युफैक्चरिंग से लेके बिजनेस प्लान तक, उसके सेल तक। ठीक है, तो ये सीआईएम में सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? अब हम इसका आगे एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये बच्चों देखिए, डायग्राम बनाया हमने एक, ये डायग्राम ऐसा, इसमें हमारा जो सीआईएम सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जैसे फैक्ट्री ऑपरेशन, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, तो आपको पता है ये सारे स्टेप किसके हैं, कैड और कैम के। ठीक है, तो ये वाला आप जो सर्किल देखिए, इसके अंदर मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो कैड कैम में आपकी यही चीजें आती हैं, डिजाइन आता है, ठीक है, प्लानिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग, और देन मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल आता है। ठीक, और डेफिनेशन में हमने क्या बताया कि अगर हम इसमें बिजनेस फंक्शन ऐड कर दे रहे हैं तो ये किसका एरिया बन जाता है, सीआईएम का। तो मतलब जो हमने वो लैंग्वेज लिखी है उसमें ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है बच्चों, पता है ना आपको, जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं एग्जाम में, तो डायग्राम बनाने से एक तो हमें एक्सप्लेन करने में आसान होता है, ठीक है, दूसरी चीज प्रेजेंटेशन जो है अच्छी हो जाती है, जिससे मार्क्स हमारे अच्छे आते हैं। तो अब आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आ गया ना बच्चों? बहुत इजी डायग्राम है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ सीआईएम। इसमें 9 इंपॉर्टेंट जो है वो सीआईएम के एलिमेंट होते हैं, वो बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सीआईएम। तो ये एलिमेंट्स ऑफ सीआईएम के मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको एक्सप्लेन करने में आसान। जैसे मार्केटिंग, आप जानते हो मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग में जो है कंप्यूटर का रोल करना है, प्लानिंग डिसाइड करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन पता ही है कैड के थ्रू, प्लानिंग ये भी प्रोडक्शन प्लानिंग जो करनी है, परचेज मटेरियल जो खरीदना है, ठीक है, उसकी प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जो आपके डिजाइन होना है, प्रोडक्शन का शेड्यूल होना है, प्रोसेस लेआउट, प्लांट के लेआउट कैसी बननी है, कौन कौन से ऑपरेशन होने हैं, वो भी आपका कैड में डिसाइड हो जाता है ना, कैड और कैम में। फैक्ट्री ऑटोमेशन हार्डवेयर, इस फैक्ट्री ऑटोमेशन हार्डवेयर में क्या चीजें बच्चों, आप सीएनसी मशीन, रोबोट्स हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक हैंडलिंग होगी, कन्वेयर हो गए, ये सारी चीजें आ जाएंगी, उनका कंट्रोल है। जैसे सीएनसी मशीन है, कंप्यूटर से तो कंट्रोल होगी ना,
तो देन इंडस्ट्रियल रोबोट हो गए, ठीक। वेयर हाउसिंग आपका क्या है, जैसे स्टोर होते हैं, ठीक है, स्टोरेज है आपका, रॉ मटेरियल का स्टोरेज कह सकते हो आप। स्टोर दो चीजें करनी होती है ना, रॉ मटेरियल भी रखना होता है और एफजी भी रखनी होती है, मतलब फिनिश गुड भी रखने होते हैं जो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि जो भी आपका सप्लाई हो रहा है आपको इंडस्ट्री में, अब सप्लाई भी दो है, एक आपको सप्लाई हो रही है, एक आप सप्लाई कर रहे हो, मतलब रॉ मटेरियल की सप्लाई आपको हो रही है और आप कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो, तो दोनों ही चेन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फाइनेंस, फाइनेंस तो समझती हो बच्चों, फाइनेंस मतलब पैसे से है, और फाइनेंस आप जिस चीज में भी करो, मटेरियल में, लेबर में, मशीन में, वो सारे कंट्रोल होने हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन यही है कम्युनिकेशन जो होना है, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन हो, मेलिंग हो, चार्ट हो, ऑर्डर हो, ये सब किसमें आ जाएंगे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। तो ये बच्चों बेसिक बेसिक पॉइंट है, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में हर पॉइंट में दो तीन लाइन लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं एक और बात ऐड कर देता हूँ, जैसे जो बीटेक वाले बच्चे होंगे तो बीटेक में जो मार्क्स का आता है वो 10 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो वहां पे उसी हिसाब से लिखना है, और पॉलिटेक्निक में जो है 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो उसको उस हिसाब से एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन हम मटेरियल उतना करा देते हैं कि आपके जो है 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में वो सफिशियंट होता है, ठीक है। तो एलिमेंट आपको CIM के समझ में आ गए होंगे, अब आगे की स्लाइड में हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ CIM, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड शेड्यूलिंग। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि कैड कैम की हेल्प से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको प्रोडक्शन में कोई चेंज करना है, डिजाइन में चेंज करना है, तो आप इजीली सॉफ्टवेयर में जाके, ठीक है, वहां से चेंज कर सकते हो, ठीक है, और इससे आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ रही है और उसकी शेड्यूलिंग भी बढ़ रही है ना, कि आप मान लो प्रोडक्शन का कोई शेड्यूल चेंज करना है, तो क्योंकि आपके जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में बने हुए हैं, तो आपको मैन्युअली कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है, आपको सीधे सिस्टम में जाना है और वहां से आराम से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सेकेंड एडवांटेज, रिडक्शन इन लीड टाइम इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। इसका भी बच्चों वही मतलब है, क्योंकि आप डिजाइनिंग कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हो, कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहे हो, तो आपकी जो डिजाइन है वो बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट भी जल्दी हो जाता है, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि आपकी ड्राइंग जो है वो डायरेक्टली कैम से कनेक्टेड है, आपको डाटा बेस में रखनी है और वो कैम में उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस प्लान, टूल डिजाइन, वो सारे काम हो जाएंगे, तो इससे जो है हमारा लीड टाइम कम होता है। लीड टाइम मतलब ये है बच्चों कि पहले ऑपरेशन से लेके और उसके फिनिश होने तक जितना टाइम लगता है उसको हम लीड टाइम बोलते हैं, तो आपका टाइम बचेगा तो आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है बच्चों, रिडक्शन इन लेबर रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। तो आपको जैसा कि पता है कि डिजाइनिंग जो है वो कैड के थ्रू हो रही है और हमारे जो टूल के डिजाइन है, प्रोसेस डिजाइन है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही हो रही है, तो बहुत सारे काम जो हैं वो कंप्यूटर मेड हो रहे हैं, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है डिजाइनिंग में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी, वहां भी CNC मशीन है, रोबोट्स हैं जो कंप्यूटर से कंट्रोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम है, तो इससे हमारी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक, ये भी एक इसका एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज है बच्चों, रिडक्शन इन ऑल काइंड ऑफ इन्वेंट्री। इससे क्या हो रहा है सिस्टम से, जितनी भी हमारी इन्वेंट्री है, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो, ठीक है, वो सब जो है कंट्रोल हो रही है, मतलब वो मिनिमम ही रहेगी, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बनेगा, तो इन्वेंट्री कंट्रोल होना भी इसका एक एडवांटेज है, ठीक। फिफ्थ एडवांटेज है बच्चों इसका, इन्हेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मशीन हो, ठीक है, चाहे आपके लेबर हो, टूल्स हो, उन सबका जो है मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा इसमें। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप ये समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपकी डिजाइनिंग भी जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रही है और कंट्रोल भी उसका कंप्यूटर के थ्रू है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है, तो फॉल्ट्स कम होते हैं, ठीक है, इससे जो है क्वालिटी इंप्रूव होती है। देन 7 पॉइंट ये है कि चेंज इन डिजाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वेरी लेस टाइम विद मिनिमम लीड टाइम। अगर मान लो आपको कोई डिजाइन में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको डाटाबेस के थ्रू जाना है और उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कर देने हैं, उसी के हिसाब से आपके आगे के प्रोसेस जो है वो इस CIM सिस्टम में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे जो हैं सारे बेनिफिट्स हमने पॉइंट आउट कर दिए यहाँ पर।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये टॉपिक समझ में आया हो CIM तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों जिन्होंने ना किया हो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसी मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।